हाय, दिस इज़ मी डायरेक्शन श्रेया। और आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा मैजिक बताने वाले हैं आपको जो आप लोग मेरे डाइट्स में लेते हो। ये क्लियोपेट्रा के टाइम से चला आ रहा है और एशियंस जो वेमेन हैं वो अपने डाइट में इसको बहुत लेते हैं। अगर आप ये अपने डाइट से 5 मिनट पहले लोगे तो इसमें इतना फाइबर है, इतना कैल्शियम है कि आपको पहले ही ये फुलनेस की फीलिंग देगा। सो ये हम इसको फाइबर ड्रिंक कहते हैं। सो आप क्या करेंगे, इसकी कुछ स्ट्रैंड्स आप ले लीजिए, जैसे कि हम लोग इसमें इतनी स्ट्रैंड्स लेंगे, इतनी स्ट्रैंड, और हम 1 कप पानी इसमें डाल देंगे केटल में, क्योंकि मैं ये क्लिनिक में ही बनाती हूँ तो आप लोग भी कहीं पे भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्रश किया और हम इसमें पानी में इसको बॉईल कर देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने बताया इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है और वेट लॉस के लिए ये मैजिक है। सो आप दिन में कितनी बार ले सकते हैं, जब भी आप खाना खाएं उससे बिल्कुल पहले, 5 मिनट पहले भी ले सकते हैं, दिन में 2-3 कप आप इजीली ले सकते हैं। अब आपने इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये डिसॉल्व हो जाए। अब कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि इसको ठंडा होने देते हैं, जब ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, जेली बन जाएगा। सो अब ये डिसॉल्व हो गया है इसमें। सो अब हम ये फाइबर ड्रिंक को इसमें डाल देंगे। इसका कलर ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पानी में ग्रीन कॉफ़ी डाला हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे, वैसे इसका कलर वाइट होता है, ये अभी अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है आपने। अब हम आपको एडवाइस करते हैं माचा टी, क्योंकि माचा टी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। माचा टी आपको इतनी सी माचा टी बहुत सारे ग्रीन टी बैग के इक्विवेलेंट होता है। सो इसका स्पून भी इसी में आएगा और माचा टी में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये जो जिनका बीपी हाई रहता है या जो अनीमिक हैं वो थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन वेट लॉस के लिए ये मैजिकल है। सो आप क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, जैसे जो इसमें स्पून है उससे 1/2 टीस्पून आप इसमें माचा टी डाल देंगे। ये तो मैंने डाला माचा टी। अब आप इसी रेसिपी को फाइबर ड्रिंक में, अगर आप चाहें कि फाइबर ड्रिंक में नहीं करना है तो आप नॉर्मली भी माचा टी को गर्म पानी में ऐसे ही ले लेंगे। आप और क्या कर सकते हैं, माचा टी बना सकते हैं ऐसे फाइबर ड्रिंक में, उसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी भी बना सकते हैं। फाइबर ड्रिंक को आपने बॉईल किया, डिसॉल्व किया और माचा टी की जगह पे आप ग्रीन कॉफ़ी का एक सेशे भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको इसको गर्म ही पीना है। और खाने से अगर पहले पियेंगे तो सिर्फ फाइबर ड्रिंक होगा, ब्लैक पेपर एंड लेमन होगा उसमें। लेकिन अगर आप खाने के बाद पीना चाहते हैं तो आप फाइबर ड्रिंक में माचा टी या फिर ग्रीन कॉफ़ी डाल के भी पी सकते हैं, ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो इनकेस अगर आप फाइबर ड्रिंक नहीं डालना चाहते तो सिर्फ एक गर्म पानी में आप 1/2 चम्मच, जो इसी के अंदर स्पून था माचा टी, वो डाल दिया, या फिर ग्रीन कॉफ़ी, गर्म पानी में ग्रीन कॉफ़ी डाल दिया। लेकिन साथ ही में आपको डालना पड़ेगा ब्लैक पेपर, आप इसमें नटमेग वगैरह भी डाल सकते हैं पर मैं सिर्फ ब्लैक पेपर डालूंगी, और लेमन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसमें डाल देंगे लेमन। सो यू आर गुड टू गो नाउ। बिलीव मी, ये चाय नॉर्मल चाय से बहुत हेल्दी है, एसिडिटी नहीं होती है, कोई भी मेडिकल इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। सो एंजॉय योर कप ऑफ चाय।